हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन से जो न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हुई है उसके बारे में। मैं आप सभी को बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। ओके, तो फिर चलिए डिटेल्स में नोटिफिकेशन चेकआउट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/SET। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। ओके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16th August 2021। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट 15th September 2021 12 midnight। यानी कि आप सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 16 अगस्त 2021 से लेके 15 सितंबर 2021 तक। ओके, और पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 15 सितंबर 2021 ही रहेगा। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं, 9th January 2022 यानी कि 9 जनवरी 2022 को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 33 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल और EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री। यानी कि अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सभी को एटलीस्ट 55% मार्क्स यानी कि 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री यानी कि MA में। ओके, तभी आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि OBC और शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब, ST एंड PWD कैंडिडेट्स एंड ट्रांसजेंडर के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि इन सभी कैंडिडेट्स के पास अगर 50% मार्क्स भी है मास्टर्स डिग्री में यानी कि MA डिग्री में, तो ये सभी कैंडिडेट्स ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, और एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप सभी फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हो तो भी आप सभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी एंड एग्जामिनेशन फी दिया गया है। जनरल कैटेगरी को 1200 यानी कि 1200 रुपये एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। देन अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैटेगरी को 600 यानी कि 600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। देन SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 300 यानी कि 300 रुपये एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप सभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सभी पेमेंट करने के बाद में अगर आपका स्टेटस अगर ओके दिखाता है तो आप सभी प्रिंट आउट ले लीजिएगा कॉन्फर्मेशन पेज का। ओके, इन केस द फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, अगर आप सभी का फी पेमेंट का अगर स्टेटस नॉट ओके दिखाता है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। ओके, और जो आपका अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट में विद इन अ वीक रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सभी बैंक चालान या फिर मनी ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO या फिर अदर मोड यानी कि ऑफलाइन मोड से अगर पेमेंट करते हो तो आप सभी का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, आप सभी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर डेट तो मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को, जो कि है 9th January 2022 Sunday। यहाँ पर देख सकते हैं सेशन फर्स्ट पेपर 100 marks, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 50, देन ड्यूरेशन 1 आवर, 9:30 AM to 10:30 AM। ओके, देन सेशन टू पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, मार्क्स 200, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100,
ड्यूरेशन 2 आवर, 11 AM to 1 PM। ओके यहाँ पे दे सकते हैं पेपर 150 ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पल्सरी क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि कॉम्पल्सरी का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके सभी क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। देन पेपर 2 यहाँ पे देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पल्सरी क्वेश्चंस, इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। ओके देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर सेट, आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा 3rd week of December 2021। ओके यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर दिया गया नो एडमिट कार्ड्स विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय पोस्ट, बाय पोस्ट एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा, आप सभी को वेबसाइट के थ्रू से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट देख लेते हैं, आप सभी का जो सिलेबस होगा वो आप सभी को वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया गया, मैं सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन करूंगा। ओके जैसे देख सकते हैं इंग्लिश देन बंगाली देन संस्कृत देन हिंदी देन उर्दू देन कॉमर्स देन इकोनॉमिक्स देन हिस्ट्री देन फिलोसफी देन पॉलिटिकल साइंस देन एडुकेशन देन केमिकल साइंसेज देन ज्योग्राफी देन लाइफ साइंसेज देन मैथमेटिकल साइंसेज देन फिजिकल साइंसेज देन सोशियोलॉजी। Then psychology, then library and information science, then physical education, then electronic science, then computer science, then home science, then Santhali, then mass communication and journalism, then anthropology, then art sciences, then music, then law, then Nepali, then management, then Arabic, then environmental sciences. Total 33 subject में यहाँ पे आप सभी apply कर सकते हैं। Okay. नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेंशन करूंगा। ओके जैसे देख सकते हैं कोलकाता साउथ 24 परगनास नॉर्थ 24 परगनास हावड़ा हुगली पूर्व बर्धमान पश्चिम बर्धमान बीरभूम बांकुड़ा पुरुलिया झाड़ग्राम पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनीपुर नदिया देन मुर्शिदाबाद देन मालदा देन उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार कुचबिहार दार्जिलिंग कालिम्पोंग, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर टाइम शेड्यूल फॉर सेट देख लेते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 09/01/2022 जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देख सकते एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 8 AM। ओके यहाँ पे पेपर 1 के लिए, देन पेपर 2 के लिए यहाँ पे दिया गया है 10:45 AM। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट 9:20 AM, पेपर 2 के लिए 10:50 AM। देन यहाँ पे सील ऑफ द टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन ओपन टू टेक आउट द आंसर शीट 9:25, देन पेपर 2 के लिए 10:55। देन यहाँ पे लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल 9:30 AM, पेपर 1 के लिए, देन पेपर 2 के लिए 11 AM। टेस्ट कमेंसेस 9:30 AM पेपर 1, देन 11 AM पेपर 2। देन टेस्ट कंक्लूड्स पेपर 1 10:30 AM पेपर 2 1 PM। ओके फिलहाल इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। ओके अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस
मिल जाए। ओके तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना। वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।